दोस्तों, टेक्नोलॉजी लगातार हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के नजदीक आ रही है। मतलब ह्यूमन और टेक्नोलॉजी आपस में बहुत क्लोज हो चुके हैं। ऐसे काफी सारी डिवाइसेस के बारे में आप लोग जानते होंगे जो अब ह्यूमन शरीर के अंदर प्लांट की जाती है, स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट वॉच तक और स्मार्ट वॉच से लेके ईयरबड्स तक। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर तक इंस्टॉल की जा रही है माइक्रोचिप के रूप। इन्हीं माइक्रोचिप जिनका साइज 1 mm से भी कम है, यानी कि चावल के दाने के बराबर या उससे कम आप कह सकते हैं, इनकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। क्या है, कैसे है, क्या काम करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो माइक्रोचिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक आइडेंटिफाइंग इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपोंडर है, जो एक सिलिकेट ग्लास से कवर करके ह्यूमन बॉडी में प्लांट किया जाता है। ट्रांसपोंडर मतलब एक वायरलेस कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग या फिर कंट्रोल डिवाइस, जो किसी भी इनकमिंग सिग्नल के संपर्क में आते ही ऑटोमेटिक रेस्पॉन्ड करती है। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है। हर माइक्रोचिप जो ह्यूमन बॉडी में इंस्टॉल की गई है या फिर इंस्टॉल की जाएगी, उसका एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो एक्सटर्नल डेटाबेस से लिंक होता है, जैसे लॉ एनफोर्समेंट हो गया, मेडिकल हिस्ट्री हो गया, मेडिकेशंस हो गया, एलर्जीज या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी को ये स्टोर करता है। आपने कई मूवीज में देखा भी होगा, एक बॉडी में एक माइक्रोचिप इंस्टॉल कर दिया जाता है, फिर उस पर्सन को ट्रेस कर लिया जाता है। ऐसी काफी सारी चीजें माइक्रोचिप की हेल्प से की जा सकती हैं। स्वीडन में तो हजारों लोगों ने अपने हाथ के अंदर इस तरह की माइक्रोचिप को इम्प्लांट करवा रखा है। ये चिप यूजर्स की डेली लाइफ को ज्यादा कन्वीनियंट बनाने में हेल्प करती है, चाहे अपना घर एक्सेस करना हो, ऑफिस, जिम, डिजिटल रीडर, जस्ट अपने हैंड को आप स्वाइप करें और एंटर करें। इन चिप्स में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ई टिकट्स जैसे फीचर्स भी होते हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि ये चिप सिक्योर्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं हैकर्स से, लेकिन कुछ इंजीनियर्स अभी भी प्राइवेसी कंसर्न को लेकर काम कर रहे हैं, जिससे आपका पर्सनल डेटा जो डिवाइस से ट्रांसफर किया जा रहा है वो लीक ना हो। चावल के दाने के साइज की चिप हाथ के अंगूठे के ऊपर एक सिरिंज से इंसर्ट की जाती है। प्रोसेस सेम वैसे ही होता है जैसे किसी को वैक्सीनेशन दी जाती है। एज अ पार्ट ऑफ IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जाहिर सी बात है जब ये माइक्रोचिप बॉडी में इंस्टॉल होगी तो आपकी बॉडी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस तक पहुंचाएगी IoT के माध्यम से। और जिस तरह कोई भी एक पब्लिक वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा को हम IoT के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी माइक्रोचिप ट्रांसफर करता है और उसे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए लगातार इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च की जा रही है, जिससे डेटा को सिक्योर रखा जाए। इसलिए कुछ ही फीचर अभी अनलॉक किए गए हैं इस चिप के जरिए। माइक्रोचिप इम्प्लांटेशन पर लगातार काम किया जा रहा है। अगर प्राइवेसी कंसर्न सॉल्व हो गया तो फ्यूचर में माइक्रोचिप बॉडी में इंस्टॉल करके बॉडी के हर हेल्थ इश्यू को मॉनिटर किया जा सकता है, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो, हार्ट रेट हो, एक्सेट्रा। तो वही बात है, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी। आशा है माइक्रोचिप इम्प्लांटेशन की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।